हेलो फ्रेंड्स, मैं तन्नु। मेरा चैनल यमी रेसिपी में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए मुंबई स्टाइल मसाला कांदा पोहा की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसके लिए मैंने एक कटोरी पोहा लिया है। तड़के में डालने के लिए 7 से 8 करी पत्ता, मूंगफली, बारीक कटे हुए प्याज, हरी मिर्च, टमाटर और बारीक कटे हुए हरा धनिया। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पोहा को धो के साफ़ कर लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने पोहा को अच्छे से धो के साफ़ कर लिया है। इसे अभी हम रेस्ट पर रख लेंगे। कढ़ाई हमारा गर्म हो चुका है। अभी हम इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर लेंगे। ऑयल हमारा गरम हो गया है। सबसे पहले हम मूंगफली को फ्राई करके निकाल लेंगे प्लेट में। मूंगफली फ्राई हो गया है। बाकी बचे हुए ऑयल में हम जीरा डाल देंगे, 2 हरी मिर्च डाल देंगे, बारीक कटे हुए प्याज ऐड कर लेंगे, 5 से 6 करी पत्ता ऐड करेंगे। प्याज हमारा हल्का ब्राउन हो चुका है। अभी 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड कर लेंगे। अभी बारीक कटे हुए टमाटर डाल देंगे। स्वाद अनुसार नमक भी ऐड करेंगे। मसालों को 1 से 2 मिनट के लिए ढक के पका लेंगे। अभी देखिए हमारा टमाटर और प्याज सारा मसाला अच्छे से पक गया है। इसी समय हम 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर और 1/2 टीस्पून गरम मसाला ऐड कर लेंगे। अभी हम पोहा को भी ऐड करके मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हम बारीक कटे हुए धनिया ऐड कर लेंगे। मूंगफली को फ्राई किया था वो भी ऐड कर लेंगे और सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी मैं इसमें 1/2 नींबू के रस को ऐड कर रही हूँ। अभी हमारा मुंबई का स्पेशल पोहा बनकर रेडी हो गया है, आप देख सकते हैं। अगर मेरा रेसिपी आप सबको पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और जो चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। धन्यवाद।